नमस्कार। सैटेलाइट न्यूज की खबरें बेबाक बेखौफ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी। हमीरपुर में बहुचर्चित सामूहिक 5 लोगों की हत्याकांड में जिला जज ने एक आरोपी को उम्र कैद की सजा और अलग अलग धाराओं में 9,000 का जुर्माना सुनाया है। आज यह फैसला 19 साल के बाद होने पर पीड़ित पक्ष ने खुशी जाहिर की है। हमीरपुर में 19 साल पूर्व 26 जनवरी 1997 को शहर कोतवाली कस्बे के सुभाष बाजार में शाम 7 बजे एक ही जात के 10 लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चली थी, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और 5 लोग घायल हुए थे, जिसमें पीड़ित पक्ष के दोनों सगे भाई की मौत होने के बाद कोतवाली में 12 लोगों के खिलाफ धारा 302, 307, 148, 149 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें हमीरपुर के कोर्ट ने 10 लोगों को बरी भी कर दिया था, जिसका मामला हाई कोर्ट में अभी भी विचाराधीन है। आज जिला जज बी राम ने एक आरोपी रक्कू को इस हत्याकांड का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा और 9,000 का अर्थदंड सुनाया है। इस फैसले से पीड़ित पक्ष में खुशी की लहर है। क्या मामले में सजा हुई है? आज ये सजा हुई है कि 26 जनवरी 1997 को बाजार में सुखीगंज में 5 लोगों की हत्या हुई थी, 5 लोग घायल हुए थे और उस पर वादी पक्ष ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सन दो मुकदमा चलते रहे 2010-2 में ये 10 लोग छूट गए थे और उसमें जो जिसने जज ने छोड़ा था वो भी सर्विस से हटा दिए गए क्योंकि उन्होंने गलत जजमेंट दिया था। इसके बाद ये रुकू फरार था, ये उस मुकदमे में शामिल नहीं रहा था। वो 2002 के बाद 3 में 12 मई 2003 में हाजिर हुआ। उसके बाद इसका न्यू ट्रायल चला जिसमें आज रुकू को फरार अभियुक्त को आजीवन कारावास 5,000 का जुर्माना। और सैटेलाइट न्यूज के लिए हमीरपुर से शिव शक्ति सैनी की रिपोर्ट।